सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। थंबनेल टाइटल देख लिया तुमको शायद मालूम पड़ चुका होगा कि आज हम लोग बात करने वाले वन पीस वीवरे कार्ड डाटा बुक के सीरीज के बारे में। यहाँ पर कुछ अकल के अंधे आ सकते हैं और मुझे बोल सकते हैं, अबे मालूम है वीवरे कार्ड क्या होता है, तू हमको मत समझा, हमने वन पीस देखा, वन पीस में सब इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। देखो मेरे भाई, वीवरे कार्ड और वीवरे कार्ड डाटा बुक सीरीज में फर्क है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, खुद ही देख लो तुमको फर्क पता चल जाएगा। बेसिकली ये वीवरे कार्ड डाटा बुक है क्या, एक तरह से ये कलेक्शन ऑफ कार्ड की सीरीज है जो कि खुद वन पीस के ऑथर एचिरो ओडा हमें हर महीने दो पैक्स के साथ रिलीज करते हैं। अब ये पैक्स क्या होते हैं इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले जान लो ये वीवरे कार्ड डाटा बुक है क्या। बचपन में तुमने WWE के कार्ड्स या फिर बेन 10 के कार्ड शायद इकट्ठा किया होगा, ये भी उसी तरह का ही कार्ड का सीरीज है, बट उनसे ये अलग है। कैसे अलग है, क्योंकि इसमें खुद एचिरो ओडा हमें कैरेक्टर से रिलेटेड ऐसी ऐसी जानकारियां देते हैं जो कि शायद हमें SBS और वन पीस के मांगा में भी मालूम नहीं पड़ता है। जैसे हाल ही के वीवरे कार्ड डाटा बुक के पैक में हमें मालूम पड़ा कि रॉजर के स्वॉर्ड का नाम एस था, उसका जो स्वॉर्ड एस है वो 12 सुप्रीम ग्रेड्स में से एक आता है। वहीं हमें मालूम पड़ा कि यामाटो एक फीमेल है, साथ ही हमें ये भी मालूम पड़ा कि टैंक्स ने काइडो और किंग को रोका था। यहाँ कुछ लोग आएंगे कि अरे वो चीज तो हमें पहले से पता है। देखो, वीवरे कार्ड डाटा बुक में हमें पता चला कि काइडो और किंग दोनों उड़ते हुए आ रहे थे और शैंक्स उनके रास्ते में आ गया और उनको रोक दिया मरीनफोर्ड में जाने से। यहाँ पे काइडो और किंग ही मरीनफोर्ड में हमला करने आ रहे थे, काइडो अपने क्रू के साथ नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे सवाल उठता है क्यों, क्योंकि यार काइडो के क्रू में पूरे बीस्ट पायरेट में अगर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की बात करूं तो काइडो आता है सबसे ऊपर, उसके नीचे आता है किंग, और ये दो कैरेक्टर आसमान में उड़ सकते हैं, इसी वजह से ये लोग उड़ते हुए आ रहे थे और बाकी के बीस्ट पायरेट्स थे नहीं। शायद ये रीजन हो सकता है कि काइडो ने शैंक्स के साथ फाइट करना अवॉइड किया और पीछे लौट गया। अब इतना ही नहीं, बहुत सारे कार्ड्स में हमें ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिले हैं जो कि शायद तुम पहली बार सुनोगे, जैसे बैन बैकमैन जो कि शैंक्स का राइट हैंड मैन है, इसका खौफ भाई पूरे न्यू वर्ल्ड ईस्ट ब्लू पैराडाइज मतलब पूरे वन पीस के वर्ल्ड में शैंक्स के लेवल का ये खौफ रखता है। जितना शैंक्स से लोगों की फटती है उतना ही इसको देख के लोगों की फटती है, ये चीज हमें मालूम पड़ा वीवरे कार्ड डाटा बुक के थ्रू। ऐसे ही बहुत सारे वीवरे कार्ड डाटा बुक के थ्रू ही हमें जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है। इनके ऊपर मैं चाहूँ तो अलग अलग सीरीज बना सकता हूँ, हर पैक के ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ। अब बात करते हैं ये पैक्स क्या है। अब देखो, पैक्स एक तरह से कह लो कार्ड का आर्क समझ लो, बिकॉज इसके अब तक 91 या 92 के आसपास पैक्स आ चुके हैं और हर महीने ओडा दो पैक्स को रिलीज करता है और जापान के लौंडे यार इन पैक्स को इकट्ठा करने के लिए मरे जाते हैं। ये कार्ड सिर्फ जापान में उपलब्ध है, बाकी सारे कंट्रीज में कहीं पर भी ये उपलब्ध नहीं है। चलो हम लोग पैक्स को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, ये पैक्स एक तरह से तुम आर्क की तरह समझो। अब देखो, जैसे कि स्टार्टर पैक, ये पहला वीवरे कार्ड डाटा बुक का पैक था। अब इसमें हमें स्टार्टिंग के जितने भी कैरेक्टर्स थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया और ये पैक जो है समय के अनुसार अपडेट होते रहते हैं, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में हमें रॉजर के बारे में बताया गया था, बट हाल ही वाले पैक में अपडेट किया गया उस स्टार्टर पैक को और हमें इंफॉर्मेशन दिया गया कि रॉजर के स्वॉर्ड का नाम एस है और उसका स्वॉर्ड 12 सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड में से एक आता है। ऐसे ही जो ओडा ना बहुत सारे अपडेट्स देते रहते हैं और हर डाटा बुक को एक तरह से तुम यार नया इन्फॉर्मेशन समझ लो। नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि ये डाटा बुक के जो पैक्स हैं या फिर ये सीरीज कितने हैं और आगे फ्यूचर में कितने आ सकते हैं। बेसिकली अभी तक जब से वन पीस स्टार्ट हुआ है अराउंड 400 से भी ज्यादा कार्ड आ चुका है, प्लस वन पीस के जो एडिटर हैं ताकुमा नाइतो, इन्होंने कहा था कि वन पीस में 1000 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, तो ये जो है नेवर एंडिंग सीरीज है। वन पीस एक टाइम पे एंड हो सकता है, बट ये जो कार्ड की सीरीज है शायद फ्यूचर में कभी एंड ना हो। हाँ, बट ऑलरेडी हमें पता वन पीस जब एंड होगा तो शायद इसका क्रेज धीरे धीरे घट जाए और ये कार्ड्स का कलेक्शन भी शायद धीरे धीरे कम हो जाए, तो ये लोग जो कार्ड को बंद कर दे, बट फिलहाल के टाइम पे वन पीस का क्रेज पीक पे है। अब यहाँ पर मैं तुम लोगों से सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हें इसके बारे में पहले कभी मालूम था? अगर पहले मालूम था ये सब चीजें के बारे में तो प्लीज कमेंट डाउन, और अगर तुम ये सब चीजों के बारे में पहली बार सुन रहे हो तो तुम्हें तो मालूम पड़ गया कि वीवरे कार्ड और वीवरे कार्ड डाटा बुक में फर्क क्या होता है,
तो प्लीज कमेंट डाउन। और घूमते घामते अगर तुम इस चैनल पे पहली बार आ गए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें वन पीस रिलेटेड ऐसी ऐसी वीडियो और ऐसी ऐसी जानकारियां मिलती रहती है जो कि शायद तुम्हें कहीं और ना मिले। तो इसी वजह से अगर तुम वन पीस फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। साथ ही अगर तुम मुझे ऐसे ही मोटिवेट रखना चाहते हो जिससे मैं तुम्हें रेगुलर वीडियोस देता रहूं, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक मारना मत भूलना। और अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया है इस डाटा बुक के बारे में तो कमेंट डाउन करना मत भूलना। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना। साथ ही यार हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, पेटिशन पे साइन करो, क्योंकि वन पीस मूवी रेड को थिएटर में लाना है। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें जो सभी चीजों की जानकारी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी का लिंक दे दिया है। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।